हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रिक टू जीके में। तो आज का वीडियो जो है आईएएस रंजीत कुमार के सेट से लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच। तो सेट वन आप लोग को उपलब्ध करा दिया गया है और ये सेट टू आप लोग के बीच जा रहा है, जो टॉप 80 क्वेश्चन आप लोग को आज मिलने वाला है। तो इस वीडियो के तहत आप लोग फ्री में आईएएस रंजीत कुमार का सेट याद कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो का पहला क्वेश्चन लेकर। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिए, हर्मटन, सऊदी अरब, चीनू, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिक्स फील्डर्स, ऑस्ट्रेलिया, फोन स्विट्जरलैंड। तो देखिए, ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हर्मटन, जो सऊदी अरब में नहीं है। ये सहारा मरुस्थल के पास है, गिनी के तट के पास है। इसे डॉक्टर हवा भी कहा जाता है, ये भी आप लोग को याद करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा जनसांख्यिकी विभव, जनसांख्यिकीय विभव। जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से युग्म सही नहीं है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो ये होगा तांबा, वेनेजुएला में नहीं होता है। ताम कि निम्नलिखित में से कौन परंपरागत वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के लिए सही नहीं है, सही नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा प्रकीर्ण वितरण, प्रकीर्ण वितरण। भारतवर्ष का किस प्रदेश में कोयला का सर्वाधिक सुरक्षित भंडार है। भारतवर्ष के किस प्रदेश में कोयला का सर्वाधिक सुरक्षित भंडार है, वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में प्रदेश कोयला का सर्वाधिक सुरक्षित भंडार एकत्रित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ये होगा असम हिमालय ब्रह्मपुत्र नदी, असम हिमालय ब्रह्मपुत्र नदी। सातवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है, निम्नलिखित नगरों में से कौन भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी, जमशेदपुर को। जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। हरित क्रांति खदान से, ये आप लोग का सही है। नीली मछली से होता है, श्वेत दूध से होता है, लेकिन ये जो पीली क्रांति जो है वो इस्पात से नहीं होता है, यही आप लोग का गलत जवाब होगा। गलत जवाब है इस पीली क्रांति इस्पात उत्पादन से। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सौर्य परिवार का सबसे विशालतम ग्रह कौन है, सौर्य परिवार का सबसे विशालतम ग्रह कौन है, तो वो है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह जो है सबसे विशाल ग्रह है। आगे जो क्वेश्चन आप लोग के बीच आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखीय कतिपय स्थल क्षेत्रों के संयोजन हेतु कुछ विचलनों के साथ अनुसरण करती है। इसका सही जवाब होगा 180 डिग्री देशांतर को, 180 डिग्री देशांतर को। जो क्वेश्चन है कि पृथ्वी की विषुवत रेखीय परिधि होता है, पृथ्वी की विषुवत रेखीय परिधि कितना है, तो वो है 40,076 किलोमीटर, 40,076 किलोमीटर। आगे जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन टर्शियरी युग में निर्मित अल्पाइन पर्वत नहीं है, निम्नलिखित में से कौन टर्शियरी युग में निर्मित अल्पाइन पर्वत नहीं है, वीवीआई इम्पोर्टेंट है। इसका सही जवाब होगा एशिया में अरावली, एशिया में अरावली जो है वह टर्शियरी युग में निर्मित अल्पाइन पर्वत नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि सुएस के अनुसार भूपटल की ऊपरी परत कहलाती है, सुएस के अनुसार भूपटल की ऊपरी परत कहलाती है, वो है सियोल, सियोल। तो जहाँ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा युग्म सही नहीं है, व्यापारिक पौने, पछुआ पौने, मानसून पौने, ध्रुवीय पौने।
तो इसका सही जवाब होगा मानसून पौने। मानसून पौने जो है इसका युग्म सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन ग्रहीय पवन नहीं है, निम्नलिखित में से कौन ग्रहीय पवन नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा शीतोष्ण अनुसमुद्री स्वीडन में, शीतोष्ण अनुसमुद्री जलवायु स्वीडन, यही आप लोग का गलत जवाब होगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल की परतों की सही अनुक्रम है, परतों की सही अनुक्रम है, इसका भी मैंने एक ट्रिक दिया था, आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट में आप लोग वहां से दे सकते हैं। इसका है परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल, इसका मैंने ट्रिक दिया है, जाकर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत संबंधित है, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत संबंधित है, वो है पर्वत एवं पठारों के उत्पत्ति से, पर्वत एवं पठारों के उत्पत्ति से संबंधित है। आगे जो क्वेश्चन है कि समुद्र में सबसे गहरे भाग पाए जाते हैं, वो है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है कि विषुवतीय रेखा के निकट स्थान विशेष पर ज्वार भाटा के समय में अंतर होता है, विषुवत रेखा के निकट स्थान विशेष पर ज्वार भाटा के समय में अंतर होता है वो कितना होता है, तो वो है 12 घंटा 26 मिनट, 12 घंटा और 26 मिनट का अंतर होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि शीतोष्ण कटिबंध कोणधारी वन पाए जाते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कोणधारी वन पाए जाते हैं वो है, टैगा प्रदेश में, टैगा प्रदेश में। स्वा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है, कौन सी नदी जो है वो भ्रंश घाटी से प्रवेश करती है, प्रवाहित होती है, तो वो होगा नर्मदा नदी, नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। आगे क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपने कक्ष के सूर्य के निकटतम दूरी को क्या कहते हैं, निकटतम दूरी जो 3 जनवरी को होता है, 3 जनवरी को होता है उसको कहता है उपसौर, उपसौर कहता है जब निकटतम दूरी होता है। आगे जो क्वेश्चन है आप लोग जरूर इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, एक है गुंडवाना कोयला स्तुति बिस्टुमिनस कोयला है, गुंडवाना कोयला नमी सल्फर और फास्फोरस से प्रयुक्त मुक्त होता है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, देखिए केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, और न तो एक न तो दो, तो इसका सही जवाब होगा केवल एक, गुंडवाना कोयला स्तरित बिटुमिनु कोयला है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, अमरकंटक क्षेत्र बॉक्साइट भंडार, बाराबिल कोयला हेमटाइट भंडार, सेलम जिला मैग्नेसाइट भंडार, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सुमेलित है, केवल एक, केवल एक और दो, केवल तीन और एक दो और तीन, ये इसमें से कौन सा सही जवाब है, तो इसका सही जवाब होगा केवल एक, अमरकंटक, अमरकंटक का क्षेत्र बक्साइट से है, अमरकंटक क्षेत्र जो है वो बक्साइट से संबंधित है। तो इसी तरह नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तो कि निम्नलिखित नदियों में से कौन एक बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत टिकर पारा और नजरबंदी के निर्माण हुआ है, निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत टिकर पारा और नजरबंदी के निर्माण हुआ है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा महानदी, महानदी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इलाहाबाद प्रयाग में 1857 का ब्रिज, 1857 को विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, प्रयाग से 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो वो है लियाकत अली, लियाकत अली ने प्रयागराज से विद्रोह का नेतृत्व किया था। हुमायूं ने 1555 ईस्वी में दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त किया, हुमायूं ने 1555 ईस्वी में दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त किया है, वो है सिकंदर शाह को हराकर, सिकंदर शाह को हराकर हुमायूं 1555 ईस्वी में दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने अपनी किस अधिवेशन में
पूर्ण स्वराज का ध्येय घोषित किया था, तो इसका सही जवाब होगा लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, लाहौर अधिवेशन 1929 हुआ था, उसी समय पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक दो बार हुआ था, तो वो है औरंगजेब, औरंगजेब के समय किस सम्राट नेता ने भरतपुर को स्थापना किया था, तो वो है चूरामन, ने भरतपुर की स्थापना किया था। आगे क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदू शासक को राय रयान की उपाधि दिया था, तो वो थे रामचंद्र राय। निम्न में से कौन सा कथन 1875 ईस्वी की क्रांति प्रकृति एवं स्वरूप पर अधिक तर्संगत ढंग से प्रकाश डालता है, तो इसका सही जवाब होगा यह एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया था, नेक्स्ट है कि किस आंदोलन के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी नामक एक नए नेता ने राष्ट्रीय आंदोलन की कमान संभाली थी, तो इसका सही जवाब होगा चंपारण आंदोलन, सत्याग्रह के समय जो गांधी जी थे वो नए नेता के रूप में उभरे थे, तो पहला जो इनका आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह भी था। आगे जो क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो वो है मादर नदी, रंगपुर स्थित था। आगे जो क्वेश्चन है कि भागवत धर्म का निम्न में से कौन सा दार्शनिक संप्रदाय का है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा सांख्य दर्शन, का भागवत धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में उल्लेखित सीताध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष थे, तो वो थे कृषि विभाग, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश कर दिया था, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा राजा जय सिंह ने, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक, लिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी के बैठक के दौरान विभाजन प्रस्ताव के पारित होने के राष्ट्रवाद का संप्रदाय के पक्ष में समर्पण का रूप लिया, इस प्रश्न का सही जवाब होगा डॉक्टर किचलू, जो 40वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की, अनौपचारिक स्वराज की मांग की थी, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। आगे जो क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय कार्य परिषद से त्याग दे दिया था, इसका सही जवाब होगा सर शंकर नायर ने, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था, तो वो था अहमदाबाद संघर्ष, से। जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम के नारे के रूप में अपनाया गया, वंदे मातरम को नारे के रूप में
अपनाया गया तो वो था 1905 के बंगाल का विभाजन। 1905 का बंगाल के विभाजन में वंदे मातरम के नारा के रूप में अपनाया गया था। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वो था रेगुलेटिंग अधिनियम 1777, रेगुलेटिंग अधिनियम 1777। नेक्स्ट है कि 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों में विभिन्न भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे, उन्हें उनके प्रभाव क्षेत्रों में सुमेलित कीजिए, तो इसका जो सही जवाब होगा कि शाहजहानलाल सरस्वती जो थे वो बिहार से संबंधित थे, और खिताई खुदमतगार जो था इसका चार होगा NWFP, और स्वामी रामानंद जो थे वो हैदराबाद से संबंधित थे, और खान हमीद खान जो थे दक्षिणी असम से संबंधित थे। अर्थव्यवस्था की अधिसंरचना में सम्मिलित है, अर्थव्यवस्था के अधिसंरचना में सम्मिलित है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हुआ उपयुक्त सभी, ऊर्जा, यातायात, बैंक, ये सभी अर्थव्यवस्था के अधिसंरचना में शामिल है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि विनिमय दर की ऊंचा रखने का अर्थ क्या है, विनिमय दर को ऊंचा रखने का अर्थ क्या है, तो उसका सही जवाब होगा मुद्रा का अधिमूल्यन, मुद्रा का अधिमूल्यन। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय तरलता में सम्मिलित किए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तरलता में सम्मिलित किए जाते हैं, तो वो है वे समस्त साधन जिनके अंतर्राष्ट्रीय भुगतान किए जा सकते हैं, वे समस्त साधन जिनके अंतर्राष्ट्रीय भुगतान किए जा सकते हैं। निगमों की प्रतिभूतियों में लगाई जाने वाली राशि का पता सामाजिक लेखा के निम्न विवरण से पता चलता है, तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रीय आय एवं उत्पाद विवरण, राष्ट्रीय आय एवं उत्पाद विवरण से पता चलता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जब भारत जनसांख्यिकीय संक्रमण की तृतीय अवस्था में प्रवेश करेगा तो होगा, तो इसका जो सही जवाब होगा उसके जन्म दर में महत्वपूर्ण कमी आएगी, उसके जन्म दर में महत्वपूर्ण कमी आएगी। इसी तरह नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत में बृहद क्षेत्र में सबसे पुराना उद्योग है, भारत में बृहद क्षेत्र, बृहद में सबसे बड़ा सबसे पुराना क्षेत्र उद्योग कौन है, तो है सूती कपड़ा उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक उपद्रव सबसे अधिक लाभ अर्जित करता है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक उपद्रव सबसे अधिक लाभ अर्जित करता है, वो है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है सबसे अधिक लाभ अर्जित करता है। नेक्स्ट है कि भारत एक दोहरी अर्थव्यवस्था मानी जाती है क्योंकि, भारत एक दोहरी अर्थव्यवस्था मानी जाती है क्योंकि, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यहाँ उत्पादन को पिछड़ी तकनीक एवं ऊंच तकनीकी दोनों का सह अस्तित्व है। निम्नलिखित में से किसका भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया जा सकता है, निम्नलिखित में से किसका भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया जाता है, इसका सही जवाब होगा सार्वजनिक उपक्रम के शेयर का, सार्वजनिक उपक्रम का शेयर का जो भुगतान है वो सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है कि एक हॉट मनी या रिफ्यूजी पूंजी वह पूंजी है, एक हॉट मनी या रिफ्यूजी पूंजी वह पूंजी है जो देश के शरण के लिए लिए हुए शरणार्थी द्वारा जमा की जाती है, शरणार्थी के लिए यह हॉट मनी या रिफ्यूजी पूंजी जमा की जाती है। आगे क्वेश्चन है कि मोड़ पर सीमांत उपयोगिता होती है, मोड़ पर सीमांत उपयोगिता होती है, तो इसका सही जवाब होगा अधिकतम होती है, अधिकतम होती है। यदि एक सीधी मांग रेखा एक वक्र रेखीय मांग वक्र को स्पर्श करती है तो दोनों मांग वक्रों के लोच स्पर्श बिंदु पर होगा, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा भिन्न होगा, भिन्न होगा। गिफिन वस्तुओं के लिए इंजेल वर्क, गिंजिल वस्तुओं के लिए गिफिन वस्तु के लिए
इंजन वर्क है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऋणात्मक ढाल वाली होगा। गिफिन वस्तु के लिए इंजन वर्क जो है ऋणात्मक ढाल वाली होता है। आगे है कि प्रोफेसर सैमुएलसन के अनुसार मांग की तार्किक सिद्धांत का तीसरा मूल क्या है। प्रोफेसर सैमुएलसन के अनुसार मांग की तार्किक सिद्धांत का तीसरा मूल क्या है, तो वो है मांग की लोच। मांग की लोच, एक फर्म का संतुलन स्थापित होगा, एक फर्म का संतुलन स्थापित होगा उत्पादन के द्वितीय चरण से। उत्पादन के द्वितीय चरण से एक फर्म का संतुलन स्थापित होगा। आगे जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको आर्थिक लागत कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसको आर्थिक लागत कहा जाता है, तो इसका सही जवाब होगा मौद्रिक लागत को। मौद्रिक लागत को, अनाज का मूल्य इसलिए अधिक नहीं होता कि लगान दिया जाता है, बल्कि लगान इसलिए दिया जाता है कि अनाज मूल्य अधिक है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है, तो है रिकार्डो का। यह है रिकार्डो का। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था थी, ब्रेटन वुड व्यवस्था थी, तो वो थी स्वर्ण विनिमय परमाप, स्वर्ण विनिमय परमाप। आगे क्वेश्चन है कि प्रथम क्षेत्रीय बैंकों को स्थापना की गई थी, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी, तो इसका सही जवाब होगा 1975 ईस्वी में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। एक उपभोक्ता की मांग वक्र की निम्न में से किससे प्राप्त किया जा सकता है, तो इसका सही जवाब होगा कीमत उपभोग वक्र, कीमत उपभोग वक्र। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि स्वर्णिम युग की अवधारणा दी गई थी, स्वर्णिम युग की अवधारणा दी गई थी, तो वो है जॉन रॉबिन्सन के द्वारा, जॉन रॉबिन्सन के द्वारा। आगे जो क्वेश्चन है कि अपने आर्थिक वृद्धि का सिद्धांत में सुम्पीटर जोर देते थे, अपने आर्थिक वृद्धि के सिद्धांत में सुम्पीटर जोर देते थे, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा नव प्रवर्तन के भूमिका पर, नव प्रवर्तन के भूमिका पर सुम्पीटर जोर देते थे। एक घटकीय व्यापार की शर्त का प्रतिपादन किसने किया था, एक घटकीय व्यापार की शर्त का प्रतिपादन किसने किया था, तो वो है बाइनर, बाइनर ने घटकीय शर्त का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट जो है संघनात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है, संघात्मक संविधान के प्रमुख लक्षण क्या है, तो वो है केंद्र और राज्यों की दोहरी सरकारें, केंद्र और राज्य की दोहरी सरकारें। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं, तो वो है सरकार के लिए। नीति निर्देशक जो तत्व है वो सरकार के लिए है। आगे जो क्वेश्चन है कि संसदीय सरकार में कार्यपालिका की व्यवस्था शक्ति किसमें निहित है, संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित है, तो वो है मंत्री परिषद में। प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था, प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था, तो वो है 1955 ईस्वी में। आगे जो क्वेश्चन है कि संपत्ति को मौलिक आधार के संविधान में किस संशोधन द्वारा विलुप्त कर दिया गया, विलुप्त देखिए हटा रहा है तो 44 से हटाएगा तो 44 और जोड़ेगा तो 42। राज्य सूची के किस विषय को राष्ट्रीय हित के लिए विषय घोषित करने का अधिकार किसे कहते हैं, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार किसे है, तो वो है राज्यसभा को, राज्यसभा को ये अधिकार है। भारत में राज्यों की भाषा के आधार पर पुनर्गठन कब किया गया, भारत में राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन कब किया गया था, तो इसका सही जवाब होगा 1955 ईस्वी में राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया। व्यक्ति का वह अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त होता है, जिससे किसी वंचित नहीं किया जा सकता है और ना ही उसे स्थानांतरित किया जा सकता है कहलाता है, तो इसका सही जवाब होगा प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार।
संसद सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? संसद सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? वो है महानवादी अटॉर्नी जनरल। ऑम्बुड्समैन की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑम्बुड्समैन की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो है लोकपाल लोक आयुक्त, लोकपाल लोक आयुक्त से संबंधित है। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यदि राज्य सरकारें राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करती तो उसे पालन कराने के लिए कौन बाध्य कर सकता है? कौन बात करने का अधिकार किसे है? तो वो है मतदाता को, मतदाता को ये अधिकार है। और लास्ट क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं आप लोग के बीच कि इन तत्वों में से कौन सा तत्व मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का व्यवस्था। निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का व्यवस्था जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।